हाँ जी, तो आज हम करेंगे, क्वेश्चन है रेट लिमिटर, ठीक है। और ये मेरे से पूछा गया था, अभी एटलाइशियन का मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था ये कोड डिज़ाइन में, ठीक है, मतलब राउंड का नाम था कोड डिज़ाइन, है। प्रॉब्लम क्या थी इसमें, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दे देख पा रहे हो। इमेजिन वी आर बिल्डिंग ए एप्लीकेशन दैट इज यूज बाई मैनी डिफरेंट कंज्यूमर। वी वॉन्ट टू अवॉइड वन कंज्यूमर बींग एबल टू ऑल ओवर द सिस्टम बाई सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट। सो वी एनफोर्स ए पर कस्टमर रेट लिमिट। द रेट लिमिट इज डिफाइंड, ईच कस्टमर कैन मेक एक्स रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है। परफॉर्म रेट लिमिटिंग लॉजिक फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमर, रिटर्न ट्रू इफ रिक्वेस्ट इज अलाउड, रिटर्न फॉल्स इफ नॉट। और फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे होगी, ठीक है। तो इसको देख के हमें बनाना है, ठीक है। मैंने कैसे बनाया, ठीक है, इसमें यूज करा मैंने टोकन बकेट एल्गोरिदम का, ठीक है। टोकन बकेट अगर एल्गोरिदम नहीं पता है तो भाई एक बार पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। एक बार जब आप पढ़ लो, ठीक है, तो आना इस वीडियो पे, ठीक है, पॉज कर लो इतने। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कि क्या होता है कि एक टोकन, समझो जैसे एक बाल्टी है, उसमें तुमने टोकन डाले फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है, और वो 10 टोकन कंज्यूम हो जाते हैं। फिर क्या करना है, जैसे 10 टोकन आपके कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको वो दोबारा से रिफिल करनी है 10 टोकन के साथ, ठीक है। ऐसे होगा, कुछ कुछ ऐसे सिनेरियो होता है, ठीक है। अब एक बार आपको टोकन बकेट पता है कैसे होता है यूज, तो उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चल लेते हैं, ठीक है जी। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करी थी, एक कॉन्स्टेंट में मैंने बता दिया कि मेरा बकेट साइज होगा 5। यहाँ पे बकेट साइज डिफाइन करता है कि तुम्हारे एक्स जो होता है, क्वेश्चन में देख रहे होगे ना कि एक्स रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है। तो समझ लो ये हमारा एक्स है, और ये टाइम विंडो जो है ये हमारे वाई है, मतलब तो रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स बाई वाई, ठीक है, एक्स बाई वाई, ठीक है, पर सेकेंड इतना रेट होगा, ठीक है। तो ये पता कर सकते हो। देन मैंने यार एक इसमें रेट लिमिटर सर्विस बना ली, और ये अपना क्लाइंट हो गया रेट लिमिटर एडमिन एप्लीकेशन, ठीक है। क्लाइंट से चलते हैं एप्लीकेशन से, देख लो यहाँ पे रेट लिमिटर फंक्शन कॉल आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 2, कस्टमर आईडी 3, 4, 5, ठीक है, 5 कस्टमर आईडी के साथ कर रहे हैं कॉल, ठीक है। जाते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर, देखते हैं जी क्या लिख रखा है। तो इसमें मैंने एक ग्लोबल मैप बना दिया इस क्लास का, कस्टमर हिट मैप, ठीक है, जिसमें मैं हिट स्टोर कर रहा हूँ कि हाँ किस किस कस्टमर हिट कर चुका है मेरे मैप को, कौन कौन सा कस्टमर, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, आया एक कस्टमर आईडी, फॉर एग्जाम्पल 1 कस्टमर आईडी 1 आई, ठीक है। कस्टमर हिट मैप में जाएगा, चेक करेगा अगर उसने पहले से हिट है उसकी, मतलब एक बार वो आ चुका है या नहीं आ चुका। अगर पहली बार आ रहा है वो कस्टमर, तो मैं सब चीज़ इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। एक पेयर बनाऊंगा, पेयर में क्या है, पहला मेरा होगा यूनिट क्या होगी, मेरा बकेट साइज इनिशियलाइज कर दूंगा कि हाँ भाई मेरा ये पहले हिट है तो इसे 10 टोकन अलॉट कर दो, ठीक है। और सिंस ये पहली हिट है, एक तो कंज्यूम कर ही लेगा ना वो, ठीक है, तो 10 माइनस 1 9 टोकन अलॉट करूंगा मैं उसे। अगर 5 है तो 5 माइनस 1 4 टोकन, ठीक है। सिमिलरली किस टाइम पे हिट कराए कि हाँ ये इसकी पहली हिट है, तो वो इनिशियलाइज कर दूंगा सिस्टम डॉट करंट वैल्यूज से, और रेट लिमिटर कॉन्स्टेंट विंडो, और नेक्स्ट हिट इसकी विंडो खत्म कब होगी वो बता दूंगा कि हाँ भाई मेरा इस समय ये विंडो खत्म होने वाली, ठीक है। और अपने मैप में पुट कर दूंगा कि हाँ इसकी एक हिट आ चुकी है, और रिटर्न कर दूंगा ट्रू कि हाँ इसकी सक्सेसफुल हिट थी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, दूसरी हिट आएगी, ठीक है, ये वाला चेक करेगा कि इस क्या मैप में है, हाँ जी है, तो अब ये वाले केस एल्स केस में आ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे चेक करेगा इफ कस्टमर हिट मैप गेट कस्टमर आईडी गेट की इज ग्रेटर देन 0, मतलब उसका ये जो नंबर ऑफ टोकन प्रेजेंट है उसके अंदर, देखो ये गेट की पेयर है, तो एक पहली वैल्यू क्या होगी की, दूसरी वैल्यू होगी वैल्यू, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये वाले वैल्यू मेरे जो है रेट लिमिट, ये वाली जो भी चीज है, ये चीज मेरी अभी 0 से बड़ी है, हाँ जी बड़ी है, अभी तो हमने देखा था 4 डाला हुआ है हमने उसमें। तो उसके इसके में क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे जो भी थी वैल्यू, 4 माइनस 1 3 कर दिया, और जो कस्टमर हिट मैप की जो टाइम विंडो थे वो सेम ही रहने दी, ठीक है। और ये पुट कर दिया हमने कि भाई सेकंड हिट पे इसकी ये वैल्यू अपडेट कर दो, ठीक है, इस कस्टमर के, मतलब कस्टमर आईडी तो मेरी 1 ही है ना, तो उसमें ये चीज़ मैं अपडेट कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ऐसे ही 3 के लिए करेगा, 4 के लिए करेगा, 5 के लिए करेगा, ठीक है। जैसे ही आखिरी हिट आएगी, मतलब ये क्या होगा, उसकी ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगी, की वाली वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टोकन उसके 0 हो गए, ठीक है। अब इस केस में आ जाएगा, इस केस में करंट टाइम चेक करेगा, अगर मेरा करंट टाइम ग्रेटर देन है जो उसके विंडो, मतलब नेक्स्ट विंडो क्या अलॉट करी थी, मेरा करंट टाइम प्लस विंडो, मतलब अगर करंट टाइम मेरा 11:03 हो रहा है, ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टाइम जो होगा रिफिल का टाइम जो होगा कब का होगा, 5, अगर मैं 5 मिनट डालता हूँ तो मेरा 11:08 पे होगा, ठीक है। वो चेक कर रहे हैं कि मेरा अगर करंट टाइम 11:08 से ज्यादा हो चुका है तो मैं इसे रिफिल कर दूंगा, ठीक है, कि हाँ अब मैं रिफिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर 11:00 फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट ही हुआ है, तो उस केस में क्या हुआ कि भाई अभी हमारा रिफिल टाइम तो आया नहीं, ये हिट तो पहले ही आ गई, मतलब यूजर एक अपने लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर रहा है हिट, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे हम,
अगर देखो हम चेक करते हैं, अगर वो लिमिट में है मतलब उसका टाइम विंडो क्रॉस हो गई है और मैं उसे रिफिल कर दूंगा, यहाँ पे देखो रिफिल कर दिया मैंने, ठीक है, और उसकी नई विंडो अलॉट कर दी, मतलब 11:08 प्लस 5 मिनट क्या होंगी 11:13, ठीक है, वो मैंने असाइन कर दी और रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर वो एक्सीड कर चुका है लिमिट को, ठीक, अगर नहीं करा है मतलब वो 11:08 से पहले ही हिट करने लगा, तो उसके समय मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। तो मतलब उसकी स्टार्टिंग की जो भी लिमिट थी उस तक तो अलाउ करा, वो लिमिट से जैसे ही एक्सीड करा वो फॉल्स रिटर्न करने लगा, ठीक है। यही तो हमें एप्लीकेशन में बनाना था, यही पूछा था हमें कि भाई जो उसके लिमिट है बस उतना ही कर पाए, ऐसा ना हो कि उससे ज़्यादा हिट करने लगे, ठीक है। ऐसे मैंने कस्टमर 1 के करा, कस्टमर 2 के लिए ट्राई करा, 4 के लिए, 5 के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कस्टमर करेगा, मल्टीपल कस्टमर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसलिए ही हमने मैप का यूज़ किया वहाँ पर, ठीक है, चला कर देख लिया था भाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा। रेड लिमिटर सर्विस सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर अभी देखते हैं भाई, देखो मैं चेक करूंगा पहले ट्रू का अकाउंट, ठीक है, मतलब कितनी हिट सक्सेसफुल हुई है फॉर ए कस्टमर आईडी 1, ठीक है, स्कैन करेंगे फाइंड कर लो यहाँ पे कितनी हिट आई होंगी बता देगा। देखो 5, यही था हमारा कि हम 5 अलाउ कर रहे हैं, तो कैसे पता चला मेरे को 5 अलाउ कर रहे हैं, देखो मैंने बकेट साइज यहाँ पे कितना अलाउड करा है 5, ठीक है। अगर मैं बकेट साइज अपना बढ़ा दूंगा 10 कर दूंगा तो भाई 10 करेगा, ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और ये तो मेरे कस्टमर 2 के, देखो कस्टमर आईडी 2 के लिए भी यही है, 3 के लिए भी 5 है, 4 के लिए भी 5 है और 5 के लिए 5 है। देन हम चेक कर लेते हैं भाई फॉल्स के कितनी उसकी हिट मिस हुई, ठीक है, क्योंकि हम 10 हिट कर रहे हैं तो 5 ही हमारी मिस हो गए, ठीक है। अभी क्या करते हैं भाई, अपना बकेट साइज हम बढ़ा देते हैं, 10 हिट कराना चाहता हूँ भाई, 1 सेकंड के अंदर 10 हिट मेरी हो, ठीक है, देखते हैं 10 का ट्राई करते हैं, अगर हो पाती है सही है, कितनी फेल करता कितनी अलाउ करता है, ठीक है। अब भी चेक करते हैं कितनी सक्सेसफुल हुई, कंट्रोल है 10 की 10 हिट सक्सेसफुल हो गई हमारी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1000 का मतलब 1000 मिली सेकेंड, क्योंकि यूनिट हमेशा मिली सेकेंड में लेता है वो सिस्टम में, ठीक है, ठीक है जी। तो अपना सिस्टम काम कर रहा है, और अगर आपको इसको एक बोलते हो कि भाई इसको मेरे को थ्रेड से भी बनाना है, क्या कर सकते हो इसमें, इसको इसका ऑब्जेक्ट बना, रेट लिमिटर का ऑब्जेक्ट आप सिंगल डन बना सकते हो, ठीक है, और सिंगल डन के थ्रू सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस पे कॉल कर पाएगा, तो थ्रेड सेफ भी हो जाएगा आपको सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स में यूज करना चाहते हो तो उस केस में आपको एक क्या कह सकते हो, रेडिस का यूज करना पड़ेगा या कोई भी एक थर्ड पार्टी सिस्टम जो आपको टोकन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, क्योंकि वो एक से ज्यादा सर्वर पे चलेगा तो एक सेंट्रलाइज सोर्स चाहिएगा हमको कि वहां से वो टोकन देता रहे और टोकन वहीं पे मैनेज करे उस जगह, ठीक है। तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वेल एंड गुड, आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा, और ये मतलब बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, वेदर एटलाइजेशन या कोई भी मेजर कंपनी ले लो, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Nobody does it better.